बस कर, अब ये थैंक्स वैंक्स छोड़ो यार, कितनी बार थैंक्स बोलोगी। वैसे भी मुसीबत तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का दुश्मन। बास्केट, क्या हुआ? बास्केट, क्या बात है? बात क्या है ये तो मैं खुद नहीं जानता। लेकिन आजकल जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तो तुम बहुत 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 खूबसूरत हो। कितना बुरा सपना था और कितने बुरे डायलॉग्स थे। ओह माय गॉड, परमार तू पागल हो रहा, तू पागल हो रहा, ऐसे नहीं हो सकता। ऑलराइट, क्या बास्केट किया? अपने आप अपनी तारीफ कर। तो तुम कर दो, आई डोंट माइंड। वैसे आप जॉगिंग के लिए कुछ फॉर्मली ड्रेस नहीं हो तुम? खेलोगी? आज नहीं, लेट हो जाऊंगी। वैसे भी आज लेट उठी थी। क्यों, रात भर नींद नहीं आई क्या? नहीं, बहुत अच्छी नींद आई। बास्केट, और यहां पर एक लड़की थी ना अभी। लड़की? थी क्या? अरमान तू पागल हो रहा है, गोइंग क्रेजी मैन। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग अंजलि। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे। क्या हुआ? सडनली कन्वल्शन शुरू हो गई। डैड पराठे पास कीजिए ना, रिच सॉस तो ना। डॉक्टर एक बार और। व्हाट इज द टाइम ऑफ डेथ? रिच सॉस दो ना। सॉरी रिधिमा बेटा, तुमसे कुछ बात करनी थी।
ख्याल आपके पेशेंट विजय पाटिल की डेथ पर हुआ ना? होना क्या था डैड, रिज ड्रामा क्वीन बन गई, टोटली सेंटिमेंटल। I'm sorry पापा, मैं भूल गई थी कि मैं एक डॉक्टर हूँ, भूल गई थी कि आपकी बेटी हूँ, और मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। I promise, ऐसा दोबारा नहीं होगा। जानता हूँ, I know। लेकिन रिद्धिमा कभी-कभी हो जाता है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों मेरा सर कभी नीचे नहीं होने दोगी। तुम लोग ना डॉक्टर शॉक्टर का काम घर पर मत लाया करो, और वैसे भी जब कोई मर गया है तो दुख तो होता ही है ना। अरे इंसान हो, मशीन थोड़ी ना। नानी, डॉक्टर्स का काम है इलाज करना, रोना नहीं। और वैसे भी आप रिज की साइड क्यों ले रही हैं? इसने जो किया वो ठीक नहीं था। ओके, अरे मैं उसके साइड कहाँ ले रही हूँ भला, मैं तो सिर्फ अपने मन की बात कह रही थी, और वैसे भी मेरी साइड तो हमेशा तेरी तरफ है। अच्छा ये बात है माँ, तो फिर हमारी साइड तो हमेशा रिद्धिमा की तरफ होगी। डैड, दैट्स नॉट फेयर। कभी कभी तुम दोनों के बीच में फंस जाता हूँ, क्या करूँ। अच्छा सुनो, छोड़ो इन बातों को, अगर तुम दोनों जल्दी से नाश्ता कर लोगे तो मेरे साथ अस्पताल जा सकते हो। व्हाट डू यू से? रियली डैड, दैट्स ग्रेट। 10 मिनट बस। अंजलि, हैव योर ब्रेकफास्ट। मैं बैग लेकर आ रही हूं। रिद्धिमा नाश्ता। ये लड़कियां भी ना बस। एक्सक्यूज मी मां। हेलो, यस डॉक्टर शशांक गुप्ता बोल रहा हूं। जी बच्चों, तुम लोग अपने आप आ जाना, मेरी एक इमरजेंसी है। डैड, डैड पर। पद्मा फोन क्यों नहीं उठा रही है? पप्पू और चिंटू से तो वो ऐसी नफरत करती है जैसे कि वो बेचारे उन्हें कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो बेचारे तो चुपचाप रहते हैं, कुछ कहते भी नहीं है। तो फिर चले क्यों नहीं जाते? अकेले कैसे जाएंगे बेचारे? कैसे जाएंगे मतलब? पैर से। क्या करें, बेचारों के पाँव नहीं है ना। I'm so sorry अतुल, लेकिन कैसे? कभी भी नहीं थे। बर्थ डिफेक्ट? पता नहीं, मैंने तो कभी पौधों के पाँव नहीं देखे, तुमने देखे? बात कर रहे थे जिनका तुमने नाम रखा हुआ है? हाँ, बड़ा वाला पप्पू और हैंगिंग वाला चिंटू, गब्बर, पिंकी, रानी, मिनी, बेबी भी है। शट अप, मेरी लाइफ में पहले से इतनी प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सुनने क्यों आ जाती हूँ। मुझे भी समझ नहीं आता। अच्छा भाई, क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरी मम्मी और उनके लड़के, शादी के लिए रोज एक लड़का और क्या। हाय 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 अतुल, समझ नहीं आता कि मम्मा ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों खड़ी कर रखी है, वहां शादी और लड़के और यहाँ शीला देवी का केस। मैं क्या करूं? केस करो, यू नो शीला देवी सेलिब्रिटी है, इस काम के तुम्हें बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, क्या पता शायद इंटर्न ऑफ द मंथ भी मिल जाए। Hey, बास्केट संभाल के। I'm sorry. That's okay. मुझे मुझे तुमसे टकराना बहुत अच्छा लगता है। सपना, ये अरमान किससे बातें कर रहा है? मुझे डर लग रहा है कहीं से कुछ हो ना जाए। अरमान, क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। अरमान। हाँ। सब इंटर्न्स डॉक्टर कीर्ति के कैबिन में तुरंत पहुंची। लूजिंग इट। आप सभी ने अपने अपने केसेस देख लिए? यस मैम। गुड। कल डॉक्टर्स के बीच में बास्केटबॉल मैच खेला जा रहा है,
टीम ए के कैप्टन होंगे डॉक्टर शशांक और टीम बी के डॉक्टर शुभांक। आप सभी बाद में अपनी अपनी टीम चूज कर लीजिएगा। बैक टू वर्क। मैम आप किसकी टीम में होंगी? नहीं इट्स ओके, बैक टू वर्क। डॉक्टर सपना जी, शीला देवी ने आपके बारे में कंप्लेन की है। एक्चुअली मैम उन्हें हैंडल करना बहुत मुश्किल है, वो किसी की बात नहीं मानती है। यू नो शीला देवी सेलिब्रिटी है, इस काम के तुम्हें बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, क्या पता शायद इंटर्न ऑफ द मंथ भी मिल जाए। तो आपसे किसने कहा कि उन्हें संभालना आसान है? मैम सेलिब्स को हैंडल करना तो होता ही मुश्किल है, स्पॉइल्ड। ट्रू मैम, वो एक्चुअली किसी की बात नहीं सुनती है। तो तुम उन्हें थोड़ा एटीट्यूड देने की कोशिश करो। राइट, एक्चुअली बहुत अच्छा आइडिया है। एटीट्यूड मुझसे नहीं होगा। अंजलि क्या तुम मेरा केस? तुम्हारा केस? मैं? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। ओके, अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो तो ठीक है, ऑलराइट। थैंक्स मैम। क्या अंजलि मेरा? अगर आप लोगों ने आपस में फैसला कर ही लिया है तो मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने में? डॉक्टर सपना जी, आपको -10 मिलते हैं जी। और डॉक्टर अंज, अगर आप ये केस हैंडल नहीं कर पाए तो नेगेटिव पॉइंट्स आपको भी मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। ओके, लेट्स सी। विज, मैं तो तुम्हारी टीम में हूं। पर हम किस टीम में हैं? हम पापा की टीम है, और अगर पापा कैप्टन है तो हम 100% जीतेंगे। एक्सक्यूज मी प्रतिमा जी, आई नो आपके पापा डॉक्टर शशांक गुप्ता हैं, लेकिन अब इस उम्र में वो क्या बास्केटबॉल खेलेंगे? हम ही जीतेंगे, पापा सब कुछ कर सकते हैं। ओह रियली? पापा सब कुछ कर सकते हैं, तुमने देखा? शट अप, हमारी टीम ही जीतेगी। नो वे, जिस टीम में मैं और अरमान है वही टीम जीतेगी। ऑफ कोर्स, ट्राई करके देख लो, हारोगे। जीतेंगे तो हम ही जीतेंगे। या वू, लिसन, आज काम के बाद प्रैक्टिस करते हैं, इन्हें हराना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। रिलैक्स, हम ही जीतेंगे। या हम ही जीतेंगे, कम ऑन। अरे डॉक्टर अरमान, मैं तो नहीं ढूंढ रही थी, ये जो पेशेंट है इसकी दवाइयां बढ़ानी है जी। एक मिनट, ये एक हफ्ता हो चुका है ना? हाँ जी। ठीक है, इसे 5 ml की जगह 10 ml कर दीजिए। ओके। और ये डोसेज 3 times a day। ओके। और इस 100 ml। सिस्टर लवली जी, आपको उस रूम में कोई डॉक्टर दिखाई दे रहा है? हाँ जी, डॉक्टर रिधिमा ही तो है। डॉक्टर रिधिमा? हाँ। पक्का? पक्का। कहाँ है? मजाक कर रही है तो मेरे साथ? अरे यही तो थी जी, चली गई होगी। वही सब भड़कते रहते हैं मुझ पर। I'm sorry. क्यों बॉयफ्रेंड, कहाँ जाना तुम्हारा? अब क्या बताऊं यार तुझे मैं। तू कैसी है? Perfect, as usual. मिलता हूं तुझे बाद में। अरमान, ये रिधिमा नहीं हो सकती। नो एक्चुअली आई थिंक मेरे ख्याल से डॉक्टर ईरानी इस केस को संभाल सकते हैं। डॉक्टर्स, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उस पेशेंट मिस्टर वैद पर खुद ध्यान रखें, हम कंसर्न पर। अरे ये तो सचमुच रिधिमा ही है। सर यस, आपसे केस डिस्कस करना था। फाइन,
एक घंटे में मेरे कैबिन में। बाय द वे वो सिस्टर पद्मा कहाँ है? वो तो अपने घर वापस चले गई। मैंने उनसे पूछा था क्या बात है, लेकिन उन्होंने कोई रीजन नहीं बताया। अगर आपको कोई खास काम है तो। नो नो, कोई खास काम नहीं। That's all right. गुड मॉर्निंग शीला देवी, मैं आपसे आपकी डॉक्टर हूँ, मेरा नाम अंजलि गुप्ता है। तो आगे से आपको कुछ भी चाहिए होगा तो प्लीज मुझे बताइएगा। हाँ चाहिए, बेड पैन लाओ। एक्सक्यूज मी नहीं, बेड पैन लाओ जल्दी। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? ओ मैडम, नखरे किसी और को दिखाना, काम करो काम, वरना कंप्लेन कर दूंगी। और डॉक्टर अंजलि, अगर आप ये केस हैंडल नहीं कर पाए तो नेगेटिव पॉइंट्स आपको भी मिलेंगे। ऐसे तो बन गई मैं इंटर्न ऑफ द मंथ, ये रिद सारे पॉइंट्स ले जाएगी। और करो कंपटीशन और बनो बेस्ट। अरे वह खड़ी खड़ी क्या देख रही हो, यहां लाओ। डॉक्टर बहुत प्रिटी है ना? बहुत नहीं, बहुत 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 प्रिटी है। बड़ी बड़ी आंखें, बहुत बड़ी आंखें, इनमें डुबकी लगा सकते। अगर डूब गए तो? अगर डूब गए तो? मुझे स्विमिंग आती है। सिस्टर, आपको पता है डॉक्टर शशांक कहाँ है?